नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर उस रिटर्न में कुछ गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई इनकम दिखाने की रह जाती है या कोई इनकम ज़्यादा दिखाई जाती है, तो ऐसे में इस गलती को सुधारने के लिए टैक्स पेयर के पास एक चांस होता है। इसके लिए उस टैक्स पेयर को रिवाइज रिटर्न फाइल करना होता है और इस रिवाइज रिटर्न के अंदर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट आंकड़े हैं, उन्हें देकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करना होता है और उस मिस्टेक को सुधारना होता है। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि रिवाइज रिटर्न और अपडेट रिटर्न दोनों में अंतर है और दोनों का मकसद भी अलग है। रिवाइज रिटर्न, जो ओरिजिनल रिटर्न में गलतियाँ हुई है उन्हें सुधारने के लिए एक चांस होता है, जिसके लिए एक ड्यू डेट होती है। अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर 2023-2024 की, तो इस असेसमेंट ईयर का जो रिवाइज रिटर्न है वो 31 दिसंबर 2023 तक फाइल करना होगा और ओरिजिनल रिटर्न की गलतियों को दुरुस्त करना होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रिवाइज रिटर्न के बारे में। तो असेसमेंट ईयर 2023-2024 का जो रिवाइज रिटर्न करना है उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2023 रहेगी। इसके पहले रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करना है और इस रिवाइज रिटर्न को फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रिवाइज रिटर्न को फाइल करने की प्रोसेस वही है जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम चलेंगे रिटर्न के फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ मैंने रिटर्न का फॉर्म ओपन कर लिया है। जब हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं तो जो फाइलिंग का सेक्शन होता है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 होता है, या हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 होता है। और जहाँ तक बात है रिवाइज रिटर्न करने की, तो जब हम रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें यहाँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के ऊपर टिक करना होगा। इसके बाद टैक्सपेयर ने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उस रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ लिखना होता है और उस रिटर्न की फाइलिंग डेट यहाँ लिखनी होती है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है उसे अपने ITR फॉर्म के अंदर भर लेना होता है और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करके उसे वैलिडेट करके फाइल करना होता है। और एक बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जब हम रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए हम जब ई फाइल के ऊपर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाएंगे, यहाँ असेसमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ फाइलिंग मोड सिलेक्ट करते हैं, या तो ऑफलाइन फाइल करेंगे या तो ऑनलाइन फाइल करेंगे। ऑनलाइन अगर फाइल करेंगे तो ऑनलाइन के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ फाइलिंग सेक्शन के अंदर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के ऊपर टिक करेंगे। और अगर यहाँ ऑफलाइन फाइल करेंगे उसके बाद यहाँ फाइलिंग सेक्शन के अंदर रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर ऑडिट है तो उसे यस या नो करना होगा या फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना होगा, कंटिन्यू करना होगा और यहाँ जेसन फाइल अपलोड करनी होगी जो हमने ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा क्रिएट की है। जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय जो फाइलिंग सेक्शन है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2023।